हम पर्वतीय क्षेत्र में हैं और पर्वतीय क्षेत्र में आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य दिखाना चाहूँगा आपको, किस तरीके से यहाँ पे सड़कें हैं। और आप देखिए यहाँ पे किनारे किनारे पहाड़ों को बीच से तोड़ा जा रहा है। देखिए ये अभी पहाड़ आपको टूटा हुआ दिख रहा होगा, ऐसे आगे आपको पूरा ये आप देख रहे हैं सड़क को चौड़ा किया जा रहा है पहाड़ों को तोड़ करके। बड़े स्तर पर पहाड़ों को या कह सकते हैं कुदरत के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आप सामने देखिए एक बड़ा मलबा सा दिख रहा होगा आपको पहाड़ों का, और किस तरीके से घुमावदार सड़कें हैं ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक अजूबा भी है। कितने बड़े स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर किया गया है। देखिए आधारभूत संरचना तो जरूरी है भाई, लोग रह रहे हैं पहाड़ों में तो बड़ी बड़ी बस्तियाँ बसी हुई हैं, गाँव बसे हुए हैं, जिले हैं, जनपद हैं, मंडल हैं, प्रशासनिक तंत्र हैं, सब कुछ है। और जो कि जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ पर लोगों के कल्याण के लिए, जन उपकार के लिए चीज़ें बनानी जरूरी हैं। लेकिन एक चीज़ और है, यहाँ पर कुदरत भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम कुदरत के साथ छेड़छाड़, सतत विकास की बात हम करते हैं, समावेशी विकास की बात हम करते हैं, है ना। डेवलपमेंट सब तक पहुँचना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी बात है, लेकिन किस तरीके से पहुँचाना है। क्या प्रकृति को कल के दिन, अभी आपको पता है 2013 में यहाँ पर जिस प्रकार से एक बड़ी प्राकृतिक आपदा आई और उसके बाद से लैंडस्लाइड हुई, पर्वतों ने जो है बड़े स्तर पर जलस्तर बढ़ा नदियों का और पर्वत भी उसमें ढह गए, रास्ते बंद हो गए, सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, यहाँ तक कि सड़कें दिखी ही नहीं, ख़त्म ही हो गई। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा, ये पूरी खाई है ना। मात्र हम यहाँ पर 10 से 15 या कहीं कहीं पर तो 10 फुट की ही सड़क देखने को मिलती है, यहाँ पर 15 से 20 फुट मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 15 से 20 फुट का है, टूबे देखने को मिल जाता है। देखिए दो गाड़ियाँ आपस में आ रही हैं, निकल रही हैं, लेकिन कहीं कहीं पर तो ये कंडीशन है कि एक ही वन वे ही होता है, गाड़ी इंतज़ार करती है, पहले निकलती है। अब देखिए कितना संकरा रास्ता है, बहुत संकीर्ण हो गया, अभी चौड़ा कर रहे हैं, चौड़ा करने का कार्य यही इसीलिए चल रहा है। अब इनको बुलडोजर्स के द्वारा से या मानव के कृत्रिम तरीके से या मशीनों के तरीके से, मानव श्रम के माध्यम से पहाड़ को धीरे 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 तोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि अभी कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन भी बिछाई जा रही है, हरिद्वार से देहरादून और फिर कर्णप्रयाग ऋषिकेश होते हुए पूरी रेलवे लाइन भी आ रही है। एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र में, यहाँ पर देख रहे हैं विद्युत कितने बड़े स्तर तक पहुँचाई गई है पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में। देखिए घर हैं, पहाड़ों में घर बने हुए हैं और ये भी अपने आप में अद्भुत है, आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। पहाड़ी जीवन बड़ा दुर्गम है क्योंकि यहाँ पर यदि कोई भी चीज़ आपको ना मिले, आवश्यक न हो, आधारभूत सुविधाएं ना हो, मान लीजिए स्कूल है ना, स्कूल एक बड़ी आधारभूत सुविधा होती है, सरकार ने वैसे ये चीज़ें उपलब्ध कराई हैं यहाँ पर, लेकिन फिर तब भी अस्पताल एक बड़ी समस्या है, हॉस्पिटल्स यहाँ पर बहुत कम है, गाँव छोटे छोटे बिखरे हुए हैं। आपने पढ़ा ही होगा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, या फिर जितने भी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर 500 से कम लोग रहते हैं कि गांव में, यहाँ तक की हालत है 100-100 लोगों के भी गांव हैं यहाँ पर, इतने छोटे छोटे गांव हैं, कहीं पर ऊंचे पहाड़ों पे एक घर दिख जाता है, घर बना है इसका मतलब लोग तो रह रहे हैं वहाँ पर। तो होलिस्टिक अप्रोच पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बिखराव है, जनसंख्या का बिखराव है, संकेंद्रण हो भी नहीं सकता चूँकि ये दुर्गम पहाड़ है, देख रहे हैं दुर्गम पहाड़ हैं ये, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है, लघु हिमालय वाला क्षेत्र है, गढ़वाल हिमालय है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं पे जिस प्रकार से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर में ठीक है टाइम लगेगा, सरकार एक बड़ा जोखिम ले रही है, लोग भी बड़े जोखिम तरीके से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो गाड़ियाँ चलती हैं अपने आप में बड़ा स्किल चाहिए, छोटा मोटा स्किल नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और काम भी हो रहा है, ऐसा नहीं है, दिन प्रतिदिन बड़े स्तर पर यहाँ पे अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है, बसें चलती हैं, टूरिस्ट गाड़ियाँ चलती हैं, इसके अलावा जो है लोग भी अपनी प्राइवेट गाड़ी प्राइवेट व्हीकल लेकर के आते हैं, गांव में जो ऊपर लोग रहते हैं पहाड़ों के ऊपर वो भी अपने साधन रखते हैं। तो ये सड़कें ज़रूरी हैं, सड़कें बनाई गई और इसके बाद जो है रास्तों को सुगम कर दिया गया, ठीक है, सरकार ने काम तो किया, लेकिन आप यहाँ पर ये है कि किसके, देखिए यहाँ पर अब आप देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पहाड़ में, देखिए पहाड़ भी क्या है, चट्टान है या मिट्टी है, अवसाद है या तो अग्निय शैलें हैं और कुछ नहीं, वही काफ़ी समय तक दबे रहते हैं, रूपांतरित शैलों में बदल जाते हैं, तो चट्टाने हैं। अब देखिए ये आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, पूरा मिट्टी है। अब मान लीजिए थोड़ा सा भी जल भराव होता है, नदी के जल स्तर पर वृद्धि होती है, तो क्या हालात हो जाएंगे इसके, पूरा गिर जाएगा, पूरा ढह जाएगा, बड़े स्तर पर अवरुद्ध हो जाएगा। तो कुदरत के साथ छेड़छाड़ तो हम कर रहे हैं और इन्हीं सब पे सामंजस्य बैठाना है, विकास करना तो है लेकिन विकास ऐसा ना हो जाए कि विनाश में तब्दील हो जाए। ये घाटियाँ बड़ी सुकूनमय हैं, शांतमय हैं, लोग रह रहे हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं। तो सरकार को चाहिए कि कुछ वैसे बड़े स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से
पहाड़ों को काटा जरूर गया है, लेकिन उनके लिए सुरक्षात्मक उपाय भी किए जा रहे हैं। उनको बांधा जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसा कभी ना हो कि जो भूस्खलन वाली समस्याएं हैं वो हों। तो सामंजस्य तो बैठाया जा रहा है, लेकिन फिर भी यदि आप कभी नज़दीक से देखेंगे तो आपका दिल भी द्रवित हो जाएगा कि किस तरीके से हम प्रगति के इलाकों में घुस चुके हैं, किस तरीके से बड़े स्तर की छेड़छाड़ हम कर रहे हैं। विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, टूरिज्म के नाम पर, बहुत सारी विषयों पर हम प्रकृति को के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ पे आम जनजीवन तो सुरक्षात्मक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जोखिम एक बड़े स्तर का, ये भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है ना। तो यहाँ तो जैसा कि आप देखते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में पत्थर गिरने की घटना आप देख रहे हैं, ये लगातार देख रहे हैं, ये है भूस्खलन या फिर पत्थर गिरना। आप देख रहे हैं लगातार, ये पूरी रोड ब्लॉक हो चुकी है, रोड जाम हो चुकी है और बड़े बड़े पत्थर देखिए लगातार गिर रहे हैं। थोड़ी देर पहले वर्षा भी हुई थी और यहाँ पर आप लगातार देखिए पत्थर गिर ही रहे हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों की एक ये बड़ी समस्या, और इसके माध्यम से यहाँ का पूरा रास्ता बंद हो गया है। एक लंबा ट्रैफिक आप देख रहे होंगे मेरे पीछे लगा हुआ है, और यहाँ से देखिए ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बड़े स्तर पर गिरता जा रहा है ना। यानी पूरा रास्ता ये ब्लॉकेज हो चुका है और अभी यहाँ से निकलना मुश्किल ही है। देखते हैं कैसे हो पाएगा। अभी देखिएगा ये लगातार गिर रहा है, अब ये बड़े स्तर का इस पर पूरा मलबा जो है रोड पे जमने वाला है, वैसे जम चुका है लेकिन आगे भी ये बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसा कि हम बता रहे थे कि कुदरत के साथ खिलवाड़ लगातार, और आज आप देख रहे हैं पूरा पहाड़ जो है इसको ऐसा काट दिया गया है कि अब लगातार इसमें खड़े रहने पर भी रिस्क है। अभी मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक बड़े स्तर का मलबा गिर रहा था और उसने पूरी रोड ब्लैकेज कर दी है। ये समझ लीजिए कि एक ही रोड थी, ये एकमात्र रोड थी, और यहाँ पे अब ये पूरा जितना भी पहाड़ है, संभावना है कि थोड़ी सी भी यदि बारिश हुई तो पूरा पहाड़ गिरेगा, और लगातार मलबा गिरता ही जा रहा है। तो यहाँ पे खड़े रहना अपने आप में एक रिस्क है, बड़े स्तर का रिस्क है, कुछ भी हो सकता है किसी भी समय, है ना। तो ये भी जो है अपने आप में एक बड़ी समस्या होती है इन क्षेत्रों की। और पूरा रास्ता बंद हो चुका है, अब देखते हैं कब तक ये खुल पाएगा, तभी हम यहाँ से निकल भी पाएंगे। आए दिन यहाँ के लोगों को ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुदरत से खिलवाड़ करेंगे तो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी, जो आपके सामने मैंने प्रत्यक्ष रूप से दिखाया। क्या देखिए, मैं आपको ये पर्वतीय क्षेत्र दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए कितनी मिट्टी है, ये पूरा मिट्टी से ही पूरा पहाड़ है और ऐसा ही बना। ये बलित पर्वत है, औसादी चट्टाने और जो आपकी आग्नेय चट्टाने हैं, वही 33 सागर का मलबा जो है ऊपर उठ करके आज हिमालय के रूप में खड़ा है, जिसको हम कूटते काटते पीटते चले जा रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे सड़क बन रही है, काफी चौड़ा किया जा रहा है इसको, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे सरकार चूंकि इस पे काम कर रही है, सरकार भी जन कल्याण के लिए ही करती है, अपने लिए तो करती नहीं है, लोगों को अच्छा से अच्छा चीज़ें मिल पाए, उनको सुविधाएं हो पाए, इसके लिए कार्य करती है। तो थोड़ा समय लगेगा इन चीज़ों को विकसित होने पे, लेकिन अब ये भी सरकार को तय करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैं आगे अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि कई जगह पे काफ़ी सुरक्षात्मक तरीके से इनको कवर किया गया है ताकि कभी ये गिरे ना। देखिए हमारे बगल से गंगा नदी भी बह रही है, गंगा नदी का किनारा है, नीचे पूरी घाटी वाला क्षेत्र जो है नीचे से गंगा जा रही है और ये पूरा पर्वत है, और सामने जिस पर्वत में मैं चल रहा हूँ बीच वाले पर्वत से गंगा बहती हुई जा रही है। देवप्रयाग से आगे की घटना है ये, जहाँ से गंगा बनती है ना। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी नीचे से वहाँ पर देख रहे होंगे, एक धारा आपको दिखाई दे रही होगी, ये गंगा नदी ही है ना, ये गंगा नदी है। और चलिए देखिए, बड़ा रोमांचकारी सफ़र है ये, और रोमांचकारी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हर एक पल पे एक मोड़ है और उस मोड़ पे एक बड़ी चुनौती देखने को मिलती है। और यहाँ के जितने भी चालक हैं, वाहन चालक हैं, इनको तो बड़ा दिल से सैल्यूट करने की जो है दिल करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये भी अपनी जान जोखिम ले करके दूसरों की जान की सुरक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा अनुभव होता है इनके पास, ऐसे ही गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं, है ना। तो एक भव्य नज़ारा तो अभी आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पे मैं आपको कंस्ट्रक्शन दिखाना चाहूँगा, किस प्रकार से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है, घर कैसे बनते हैं। अधिकतर घर जो है आपको पिलर्स पे टिके होते हैं, आप देख सकते हैं नीचे काफ़ी गहरी खाई है ना, सामने से नदी बह रही है और जस्ट सामने मेरे एक रोड दिख रही होगी। यहाँ पे देखिए पर्वतीय कंस्ट्रक्शन आपको दिखाता हूँ, मैं एक बिल्डिंग में हूँ और सबसे नीचे वाले हिस्से पे हूँ, और देखिए काफ़ी ये नीचे है, काफ़ी नीचे वाला एरिया है, और देखिए कैसे कंस्ट्रक्ट किया गया है। पहले तो पिलर्स पे इसे पूरा खड़ा किया गया, इसके ऊपर पूरी बिल्डिंग है ना, और ये देखिए इसको नीचे जो है बोल्डर से भरा गया है, नीचे जो देख सकते हैं काफ़ी, मैं एक बार कोशिश करता हूँ नीचे दिखाने की आपको। यहाँ पर देखिए
ये पूरा हिस्सा है, कैसे पहाड़ों पर इसे बनाया गया है, एक तरह से हैंगिंग गार्डन की तरह आपको लग रहा होगा, है ना। ये सीमेंट के ही पिलर्स हैं और काफ़ी लंबा, ये जहाँ पर हूँ मैं वहाँ पर ये काफ़ी लंबा है। तो एक बार नीचे से देखना चाहते थे कि कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है, और ये कंस्ट्रक्शन कितना कमाल का है आप देख सकते हैं। और सामने देखिए, ये अभी इस वाले एरिया में भी कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। जस्ट सामने एक शॉप देख रहे होंगे, वो भी पीछे लट के आधे, मतलब आधा ये समझ लीजिए आधी खाई में होता है। पूरा हिस्सा रोड को छोड़ करके पीछे के हिस्से पे इसको कंस्ट्रक्ट करना होता है, जिसको पहले फिलिंग करनी पड़ती है, और फिलिंग बोल्डर से की जा रही है। फिर इसके बाद जो है इसको पिलर्स पिलर्स पे खड़ा करके ऊपर जो है लेंटर डाला जाता है बीम में ही, है ना। तो उसी आधार पे पूरा टिका होता है, काफ़ी सेंसिटिव समझ सकते हैं, बहुत संवेदनशील है। थोड़ा सा भी कभी ये भूकंपीय जोन 5 में आता है ना, सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, और ऐसा कंस्ट्रक्शन देख के दिल जो है दहल जाता है। आप सामने देखिए एक टावर होगा, और टावर के पास ही आप देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूँ, ठीक है, और जूम करते हैं इसको। ये देखिए कैसे बना हुआ है, पूरा हैंगिंग गार्डन है। तो ये जो है काफ़ी कमाल की चीज़ें हैं। एक बस्ती आप सामने देख पा रहे हो, पूरा गांव का गांव ही है ये, है ना। तो कितना बेहतरीन तरीके से कंस्ट्रक्शन होता है, सिविल इंजीनियरिंग का ये भी एक अद्भुत नमूना ही कह सकते हैं इसे, पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाना। और सामने देखिए पूरी बस्तियाँ बसी हुई हैं, ये पहाड़ों में बसी हुई हैं, पूरे गाँव गाँव ऐसे ही बने हुए हैं सारे, है ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।